गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में अपन ने देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलाइड्स। नाउ आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड टॉपिक, नोमेनक्लेचर ऑफ द हैलाइड्स। नोमेनक्लेचर, नामकरण। नोमेनक्लेचर अपन एल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड का डिफरेंट डिफरेंट वे में देख लेंगे, दोनों को अलग अलग फॉर्म में देखेंगे अपन। नोमेनक्लेचर ऑफ हैलाइड्स, फर्स्ट तो अपन देख लेंगे आरएक्स एल्काइल हैलाइड के लिए एंड सेकंड एआरएक्स एरिल हैलाइड। तो एट फर्स्ट इनका जनरल फॉर्मूला और आईपीएसी फॉर्मूला क्या है वो अगर अपने माइंड में है तो अपन किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी ने इजीली कर सकते हैं। अब एल्काइल हैलाइड टू टाइप से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक तो इसका कॉमन नेम एंड सेकंड इज अ आईपीएसी नेम। इन कॉमन नेम फॉर्मूला ऑफ आर एक्स इज नॉन एज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप में आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, पूरे ऑर्गेनिक में वो अपने यूज होंगे, बार बार अपने को देखने नहीं पड़ेंगे। एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल वर्ड जो है ऐसे यहां पे प्रीफिक्स अपन यूज कर रहे हैं और हैलाइड जो वर्ड है ये अपन सफिक्स के फॉर्म में इसका यूज करेंगे। आईपीएसी नेम क्या होगा? इन दिस नेम हेलो, हेलो इज प्रीफिक्स्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द हाइड्रोकार्बन नेम। हेलो, हेलो एज अ प्रीफिक्स्ड होगा और इसे हाइड्रोकार्बन के जस्ट पहले अपन लिख लेंगे इसे। तो हेलो प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन यहां पे अपन एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो एल्केन ले रहे हैं, अगर यहां एल्किन होता तो हेलो एल्किन हो जाता और एल्काइन होता तो हेलो एल्काइन हो जाता। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आप यूज कर सकते हैं, बट प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या यूज करोगे, पहले हेलो वर्ड यूज करोगे। सीएल के लिए क्लोरो ब्रोमो, फिर आयोडो, फिर बीआर के लिए ब्रोमो हो गया, आई के लिए आयोडो हो गया और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, ऐसे यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट एआरएक्स एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड में भी सेम टू टाइप से, कॉमन नेम एंड आईयूपीएक आईपीएसी नेम। अब इसमें कॉमन नेम में होगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एंड आईयूपीएक में होगा, आईयूपीएसी में होगा हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो ये अपने को नेम माइंड में रखना है। एल्काइल हैलाइड जो है, आरएक्स जो है, कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड होगा और आईयूपीएसी नेम में हेलो एल्केन होगा। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में बता देता हूं मैं आपको, CH3CH2Cl। जैसे ये एक आपके सामने एक सिंपल सा हैलाइड है, इनका अपने को आईयूपीएसी नेम करना है। तो आपको एल्काइल ग्रुप ऐसे 11th में बता रखे हैं, बट जिसने 11th को अच्छे से क्लियर नहीं कर रखा है, वापिस अपन एक एल्काइल ग्रुप अलग से डिफरेंट अपन पूरा अलग से एक एल्काइल ग्रुप के बारे में आपको बता देंगे, उसके बाद आप इजीली जो है किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहां पे एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, इथाइल एंड सीएल इज हैलाइड क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड। तो एल्केन से एल्किल ग्रुप कैसे बना, तो एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे बना वो अपन डिस्कस करेंगे।
इसी का ये तो हो गया कॉमन नेम। अब आईपीसी करना है, हेलो ये क्या है, ये क्लोरो, और ये क्या है एल्केन, एल्क नंबर ऑफ कार्बन, एंड एन सिंगल बॉन्ड को शो करता है, एल्क नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है दो है, तो क्या हो जाएगा ये एथ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो एथेन। तो ये तो इसका कॉमन नेम हो गया और ये क्या हो गया आईपीएसी हो गया। तो एक बार इसे नोट कर ले, इसके बाद अपन एग्जांपल लेंगे। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपन, नंबर ऑफ कार्बन अच्छे से आप इसको देखना एक बार, क्योंकि मैं आपको एल्केन से एल्काइल ग्रुप जो बनता है तो एक बार इसको देख लेंगे, तो बार बार जो है जहां भी नॉमिनक्लेचर आएंगे उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको अच्छे से अपन यही देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूला कॉमन नेम आईपैक नेम, पूरा अपन सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जो है देखने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज वन, अगर कार्बन एटम क्या है एक है, तो नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन का एल्केन क्या हो सकता है CH4। अब एल्केन टू एल्काइल ग्रुप, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एल्केन, कोई भी एल्केन ले लो, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, इसमें से मैंने क्या कर दिया रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, तो ये क्या हो जाएगा CnH2n+1। तो व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने हटा दिया, देन एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्काइल का है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहां पे एल्केन CH4। अब जैसे ही यहां से मैं क्या करूंगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा, तो यहां पे अपने पास क्या आएगा CH3, एक कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई फ्री हो गई, तो इसे अपन क्या कहेंगे मिथाइल ग्रुप, एल्केन, एल्केन से क्या हो गया एल्काइल, ये क्या हो गया मिथेन से क्या हो गया मिथाइल, मेथेन से मेथिल हो गया ये मेथेन, और ये क्या बन गया मेथिल बन गया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं हेलोजन एटम को अटैच कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे हेलोजन एटम अटैच करते ही क्या हो जाएगा CH3X। तो यहां एक फॉर्मूला के लिए कॉलम बना लेते हैं अलग से,
तो फॉर्मूले के लिए यहां पे एक कॉलम बना रहे हैं अपन, और यहां पे अपन ने लिख दिया CH3Cl। तो अब यहां एक कार्बन का है, अब ये कॉमन नेम, अब कॉमन नेम में अपना फॉर्मूला क्या था, एल्काइल हैलाइड, और IUPAC में क्या था, हेलो एल्केन। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या है यहां पे, मिथाइल, ये नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, एंड IUPAC क्या हो जाएगा, क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन। ऐसे स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, दो है, तो क्या बन सकता है एल्केन, क्या बन सकता है C2H6 बन सकता है, इसे अपन CH3 भी लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो या यहां से, बात तो एक ही है, इसका भी एल्काइल ग्रुप एक ही बनेगा, ये एल्काइल ग्रुप, तो ये तो क्या हो गया मिथेन, और ये क्या हो जाएगा इथाइल। तो इसका फॉर्मूला एक लिखते हैं अपन, CH3CH2Br, ये हैलाइड आपके पास, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, तो कॉमन नेम हो गया इसका इथाइल ब्रोमाइड। आईपैक क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ थ्री कार्बन, तीन कार्बन के लिए अपन देख रहे हैं, तो तीन कार्बन के लिए में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3। तो नंबर ऑफ थ्री कार्बन, थ्री कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। अब देखो यहां पे, तो इसका तो अपन ने एल्काइल ग्रुप एक बनाया, इसकी पॉसिबिलिटी भी एल्काइल ग्रुप एक की है, बट यहां एल्काइल ग्रुप की कितनी पॉसिबिलिटी वो देखें, यहां एल्काइल ग्रुप देखें, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से रिमूव करूं और यहां से रिमूव करूं, बात तो ये की है, कल अपन ने डिस्कस किया था एक पार्ट में कि टाइप्स ऑफ कार्बन, अब यहां पे देखो कितने टाइप के कार्बन है, यहां पे ये और ये तो सेम एक ही है, कैसे, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है, तीन, जिससे अटैच है वहां पे दो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन तीन और जहां से अटैच है वहां पे कितना है, दो, इसका मतलब बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है, सेम है, बट यहां पे देखो ये कार्बन थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन यहां से मैं रिमूव करूं और यहां से रिमूव करूं, तो एक तो एल्काइल ग्रुप ये बनेगा, दूसरा यहां से रिमूव करूं तो दूसरा एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर एल्काइल ग्रुप कितने पॉसिबल है, दो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एक तो बनेगा CH3CH2CH2, यहां से रिमूव कर दिया मैंने, और एक हो जाएगा CH3CH CH3, ये, तो ये जो ग्रुप जो होता है, ये आइसो ग्रुप होता है, कैसा ग्रुप होता है, ये आइसो। अब एल्केन से एल्किल, एल्केन से एल्काइल जो बना है, तो यहां पे प्रोपेन से क्या बना है, प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल ये भी है और प्रोपाइल ये भी है, बट ये प्रोपाइल और ये प्रोपाइल, अब इनको दोनों को क्या करें, डिफरेंट अपन नाम दें। तो जब ये लॉन्ग चेन जो होती है, ये स्ट्रेट चेन है, तो वो तो इसको क्या कह देंगे अपन, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और नॉर्मल, आइसो, नियो, ये सब कॉमन नेम में यूज होंगे, IUPAC में यूज नहीं करेंगे। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जो होता है ये दो जगह यूज आता है, एल्काइल ग्रुप याद रखना दो जगह यूज आता है, या तो ये यूज आता है कॉमन नेम में, और या जहां कहीं पे भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यानी प्रतिस्थापी के फॉर्म में जब आते हैं ये, उस समय यूज आता है। तो याद रखना कॉमन नेम में और प्रतिस्थापी आए उस समय, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जब आया एल्काइल ग्रुप उस समय यूज होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने माइंड में रखना, ये स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होगा, आइसो प्रोपाइल। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, CH3CH2CH2Br, CH3CH CH3Br, कॉमन नेम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, एल्काइल ग्रुप कहां यूज करते हैं अपन, कॉमन नेम में। ये एल्काइल कैसा है, नॉर्मल है, एन प्रोपाइल, ओके, एंड इसका क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आईपैक में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग इधर से होगी, वन ब्रोमो प्रोपेन,
वन ब्रोमो प्रोपेन एंड वन टू थ्री, ये क्या हो जाएगा टू ब्रोमो प्रोपेन। तो ये एल्काइल ग्रुप पूरा डिटेल में अपन चल रहे हैं कि बार बार जो है अपने को ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर को देखना नहीं पड़े, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक कार्बन में एल्काइल ग्रुप एक ही बनेगा मिथाइल, दो कार्बन में भी एल्काइल ग्रुप एक ही बनेगा इथाइल, तीन कार्बन में प्रोपेन में दो कंडीशन बन रही है, या तो बनेगा प्रोपाइल या बनेगा आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट नंबर ऑफ फोर कार्बन में देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन फोर, अगर अपने पास कार्बन चार है तो चार कार्बन का एल्केन जो होता है वो क्या होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। ये देख लीजिए आप CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन में चार कार्बन में भी एल्केन जो बनते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के एल्केन बनते हैं इसमें भी, ठीक है। तो उससे एल्काइन एल्केन के अकॉर्डिंग एल्काइल ग्रुप जो बनते हैं चार कार्बन के एल्काइल ग्रुप वो भी अलग अलग टाइप के होंगे। कैसे देखें, अब इसमें भी अपन चार एल्काइल ग्रुप देखेंगे, कितने एल्काइल ग्रुप देखेंगे चार एल्काइल ग्रुप देखेंगे फर्स्ट। अब इसका ब्यूटेन का एल्काइल ग्रुप जो बनेगा वो क्या बनेगा ब्यूटाइल बनेगा, बट इस ब्यूटाइल में बस आगे जहां कहीं पर भी एल्काइल ग्रुप देखो और कार्बन चार है तो ब्यूटाइल तो होगा 100% ब्यूटाइल होगा, बट उसमें वो नॉर्मल है आइसो है सेकेंडरी है या टर्शियरी है ये अपने को देखना है। तो कैसे अपने को पता चलेगा, तो एट फर्स्ट अपन क्या करते हैं CH3 CH2 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 इसको देख लिया अपन ने, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये बन गया, तो ये क्या है ब्यूटाइल है, बट ये कैसा ब्यूटाइल है नॉर्मल है क्योंकि स्ट्रेट चेन, जब कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो वो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप होगा। और देखें CH3 CH2 CH3, अब मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, अब यहां देखें ये कार्बन जो है इधर भी ये कार्बन से अटैच है और ये भी इधर कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी ब्यूटाइल तो है बट ये ब्यूटाइल कैसा है सेकेंडरी है द्वितीयक है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्यों, अब इसके चक्कर में मतलब ना ये आइसो नहीं है, आइसो के लिए स्ट्रक्चर फिक्स है ये आइसो ग्रुप है ये, बट ये आइसो कहां है ये आइसो नहीं है, यहां पे क्या हो गया C2H5 हो गया, ये याद रखना ये आइसो है ये आइसो नहीं है। कई बच्चे इसको आइसो ब्यूटाइल लिख के आ जाते हैं, ये गलती नहीं करें इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड और ये टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है, तो ये ग्रुप कौन सा है ये सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है। और देखें इसको CH3CH, अब इसको देखो एक चैन आइसोमर बन रहा है इसका एक, और तो एक तो इसका बना दिया अपन एक और एक दो इसके बना दिए, अब देखो इसका बनाते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, तो पहले तो इसके ट्राई कर दिया अपन, अब यहां से हटाओ बात एक ही है, तो इसके तो बना दिए दो, इसका चैन आइसोमर बनता है ये। अब इसका देखो, अब यहां से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव करूं तो ये बन गया, अब ये देखो क्या है यहां पे ये आइसो है ये आइसो ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा ये ब्यूटिल तो है बट ब्यूटिल कैसा है आइसो ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को हटाऊं इसको हटाऊं और इसको हटाऊं बात तो एक ही है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, अब ब्यूटाइल तो ये भी है बट ये ब्यूटाइल कैसा है क्योंकि यहां हाइड्रोजन अटैच होगा, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है 1, 2 और 3, तो ये कैसा है टी ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल टीईआरटी टर्ट टर्ट टर्शियरी
टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। अब इजीली में अपन फॉर्मूला अपन ले सकते हैं, हैलाइड बना लो इसका, क्या हो जाएगा CH3CH2CH2CH2Br। तो आप नॉमेनक्लेचर करना सेल्फ, आपकी ये प्रैक्टिस सही है। क्या हो जाएगा ये मैं बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट इसका क्या बन जाएगा CH3CH2CH3Br BrCl Fi, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट इसका ट्राई करते हैं CH3CH CH2CH3Cl लगवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल तो है ही, पीछे क्या लगाना है क्लोराइड, तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईपीएससी क्या हो जाएगा 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आईपीएससी लिख देता हूं इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट CH3 Br, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां गलती करते हैं कि सर आपने कहा था सेलेक्ट द लॉन्ग चेन जहां सब्स्टिट्यूएंट है, यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा टी ब्यूटिल, अब ये टी ब्यूटिल तो है, क्या लगा हुआ है ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा टी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ये तो हो गया कॉमन नेम। और टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। आईयूपीएसी क्या हो जाएगा 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे अल्फाबेट पहले क्या आएगा ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नंबर ऑफ 4 कार्बन में अपने एल्केन से एल्काइल, जब एल्केन से एल्काइल बनाना है तो पहले एल्केन के आप क्या करें आइसोमर बना ले, चेन आइसोमर बना ले और उससे आप एल्काइल ग्रुप एक एक हाइड्रोजन जो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उसको एक एक रिमूव करके देखें कोई ना कोई ग्रुप बनेगा। तो अपने 4 कार्बन का जो एल्केन जो होता है उसके एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 एल्काइल ग्रुप होते हैं, एक तो सीधा एन ब्यूटाइल और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी इसका चेन आइसोमर ये हो गया, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन हटाया, यहां से हटा दिया, और कोई पॉसिबल बनता नहीं है। फिर इसका यहां से ट्राई करते हैं अपन, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, तो ओवरऑल इसके 4 एल्काइल ग्रुप बन गए। नेक्स्ट 5 कार्बन के लिए, तो 4 कार्बन तक अपन ने एल्केन और एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं वो देख लिया, और उससे फिर हैलाइड के नाम अपन ने कॉमन और देख लिया। अब 5 कार्बन से देखते हैं, 5 कार्बन से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आइसोमेरिज्म, इसके बाद का एक टॉपिक देखेंगे अपन आइसोमेरिज्म, तो वहां तक अपनी एक अप्रोच पहुंच जाए, इसलिए अपन इसको ट्राई कर रहे हैं। 5 कार्बन, नंबर ऑफ 5 कार्बन, अगर आपके पास नंबर ऑफ 5 कार्बन है तो पहले एल्केन देखो, एल्केन क्या क्या बन सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, एक तो ये नॉर्मल पेंटेन बन गया, ठीक है। और क्या बन सकता है CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये क्या बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये एल्केन बन गया इसका। और क्या बन सकता है इसका CH3 C CH3 CH3 और CH3, ये बन गया 2 2 2 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 2 और 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया। इसके अलावा देखो, और इसको मैं यहां से यहां ले आऊं तो सेम ही बात है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसको मैं यहां ले आऊं तो ये बना दिया, अब इसको मैं यहां ले आऊं तो वापस ये बन जाएगा, तो इसके एल्केन के चेन आइसोमर जो मैंने बनाए ये बना दिए। अब यहां से एल्काइल ग्रुप बनाएंगे बहुत इजी वे में रहेगा भाई, ये तो एक पजल है आपके पास, 5 कार्बन है, अब 5 कार्बन का एल्केन क्या बनता है C5H12 ये बनेगा, 5 कार्बन होंगे देख लो, 1 2 3 4 5 3 2 5 7 9 और 12, 12 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन को अरेंज करके आपको एल्केन बनाना है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है,
तो ये एक पजल के फॉर्म में अपन इसको ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, तो 1, 2 और 3 बन गए। अब इससे एल्काइल ग्रुप इजी वे में बनेंगे, देखो कैसे बनेंगे। पहले ट्राई करते हैं इसको, यहां से ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन यहां से हटाऊं और यहां से हटाऊं, बात तो एक ही है, बता रखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आपको एक एक रिमूव करते जाओ। तो पहले मैं यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, CH3 CH2 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 CH2, इस हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेट चेन है, तो ये पेंटाइल एल्केन एल्काइल पेंटेन पेंटाइल, तो ये पेंटाइल ग्रुप बनेगा, ये बन गया अपना पेंटाइल ग्रुप। अब ये पेंटाइल कैसा है, नॉर्मल पेंटाइल है, कैसा पेंटाइल है, नॉर्मल पेंटाइल है। और देखो कोई कंडीशन बन रही है क्या, हां कंडीशन बन रही है। अगर मैं अब इस हाइड्रोजन को टच करूं तो इसको और इसको एक ही बात है, अब इसको और इसको भी क्या है, एक ही बात है, तो यहां से मैं हाइड्रोजन एक रिमूव करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3, एक हाइड्रोजन मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ये भी पेंटाइल ही है, ये भी क्या है, पेंटाइल, पेंटाइल ग्रुप ही है ये, इसको एन पेंटाइल बोलते हैं, हिंदी में पेंटाइल बोलते हैं, इंग्लिश में पेंटाइल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एन, ये तो हो गया पेंटाइल, ये भी पेंटाइल ग्रुप ही है, बट ये कैसा पेंटाइल है बाद में देखेंगे अपन इसको, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो इस पेंटेन में आपको पता चल गया होगा कुल कितने टाइप के हाइड्रोजन हो गए, 3 टाइप के, एक तो ये हो गए, एक ये हो गया, 2 और ये लास्ट में रह गया, ये 3 तीसरा, एक हाइड्रोजन मैं यहां से रिमूव करता हूं, CH3 CH2 CH CH2 एंड CH3, ये भी क्या है, पेंटाइल ही है। अब देखो यहां पे, अगर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पे, अगर मेरे को कहा जाए पेपर बनाने के लिए तो मैं तो ये क्वेश्चन दूंगा, पेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, 99% जनता जो है, स्टूडेंट जो है, वो इसके फेवर में जाएगी, उनका हाथ पहले ये लिख के आएगी। अब ये भी पेंटाइल और ये भी क्या है, पेंटाइल है, बट यहां पे ये पेंटाइल और ये पेंटाइल में थोड़ा में क्या डिफरेंट है। अब सेकेंडरी ये भी है और सेकेंडरी क्या है, ये भी है, ठीक है। अगर आपको सेकेंडरी पेंटाइल बोर्ड में पूछा जाए, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, राइट, फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, तो सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, मैंने आपको कहा ना 99% स्टूडेंट जो है गलत करने की संभावना रहेगी, इंटेलिजेंट बच्चे भी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी या ये सेकेंडरी, इसमें अपने को कंफ्यूजन रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है वो क्या है, सेकेंडरी है, तो ये तो है सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप बन गया यहां पे, और ये जो है ये सेकेंडरी पेंटाइल नहीं है, ये एक्टिव सेकेंडरी, क्योंकि यहां 2 पोजीशन बन रही है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 2 पोजीशन, बट इसके पास तो एक ही है, तो सेकेंडरी पेंटाइल तो ये है और ये है एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, सक्रिय द्वितीयक पेंटाइल ग्रुप हो गया ये। अब यहां से अपने को 2 एल्काइल ग्रुप बन गए, तो इस 5 कार्बन से जो ओपन चेन है अपनी एन पेंटेन है, अब इससे अपने को एल्काइल ग्रुप कितने बन गए, एक तो बन गया एन पेंटाइल और एक बन गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल और एक बन गया सेकेंडरी पेंटाइल। अब देखो इससे कुछ भी नहीं बन रहा है, अब आते हैं सीधा कहां पे, इसके ऊपर, इस पर ट्राई करते हैं। तो इस पर ट्राई करने से पहले अपन एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले, CH3 CH2 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 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल ब्रोमाइड, एन पेंटाइल ब्रोमाइड, और IUPAC क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, डिफरेंट टाइप के भी अपन एग्जांपल लेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया, तो ये क्या है, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल है, ये हो गया एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल
क्लोराइड हो गया, आईपीसी क्या हो जाएगा। अब नंबरिंग देखें आप लोग, नंबरिंग के लिए अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से देखें तो 1 2 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, इधर से 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट इस एग्जांपल पर आए, CH3 CH2 CH CH2 CH3, ओके ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। आईपीएससी में 1 2 3 4 5 बोथ साइड, इधर से भी 1 2 3 4 5, दोनों ही क्या नंबरिंग करेक्ट है, क्या हो जाएगा ये 3 क्लोरो पेंटेन। अब स्टार्ट करते हैं अपन यहां से, तो यहां से आप मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने माइंड में जो है दिमाग में धीरे धीरे चलाते रहेंगे टॉपिक। ये क्या है, आइसोपेंटेन, आइसो स्ट्रक्चर है। देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CH CH3, ये स्ट्रक्चर कहीं पर भी आपको नजर आ रहा है तो ये क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चर होगा। और मैंने क्या कहा, जो भी आपको एल्केन है उस एल्केन के पहले चेन आइसोमर बना लो और वहां से फिर एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ, तो आपको नए नए एल्काइल ग्रुप मिलते रहेंगे। अब इसको ट्राई करते हैं अपन, सही से लिख लेते हैं एक बार इसको, CH3 CH। सबसे पहले मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, CH3 CH। बाद में नाम करेंगे, पहले एक बार हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो बहुत ही मजा आएगा यहां पे अपने को। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं CH3 CH CH3 CH CH3, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं CH3 CH, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मैंने। अब मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करूं, अब इस हाइड्रोजन को करूं और इस हाइड्रोजन को करूं, बात तो सेम ही है, तो इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया और इसका भी आ गया। अब अपन रिमेनिंग में 2 कार्बन रहे, इस हाइड्रोजन को हटाऊं और इसको हटाऊं, बात तो सेम है, समझ में आ गया होगा शायद आपको, टाइप्स ऑफ कार्बन, तो ये या ये एक ही बात है। तो अब देख लीजिए भाई, तो फर्स्ट वाला जो एल्केन था एन पेंटेन पेंटेन था, इससे अपने 3 एल्काइल ग्रुप अपने पास आ गए थे। अब अपने पास है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। ये आइसोपेंटेन जो है, इसके अपने पास आइसोमर जो है वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 आइसोमर अपने पास आ रहे हैं, तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7, और इसके देखते हैं कितने बनेंगे और, ठीक है। तो ये आपके सामने एल्काइल ग्रुप। अब देखो इनके नाम देखो आप, ये और ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है, देखते हैं कैसे ये कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो बच्चा खतरनाक कंफ्यूज हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दो को मैं थोड़ा कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। ये देखो आप, जल्दबाजी में इतनी खतरनाक वाली गलती होगी यहां पे, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा उस गलती को, लेकिन पेपर अटेंड करने के बाद कुछ भी नहीं होगा, 1 नंबर, इसका मतलब आप बहुत पीछे चले जाओगे। अब देखो इन दोनों में, ये और ये लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करके बता रहा हूं, एक एल्काइल ग्रुप ये भी बन रहा है एक एल्काइल। अब दिमाग में एक घुसा दो कि एल्काइल ग्रुप 5 कार्बन का है तो पेंटाइल तो है ही, अब पेंटाइल कौन सा है, मैंने आपको बताया नॉर्मल है, आइसो है, टर्सरी है, सेकेंडरी है, कैसा है वो आपको देखना है। तो इसके अंदर आप एक सिक्वेंस याद रखोगे, ठीक है, पेंटाइल तो है, आइसो पेंटाइल, एक्टिव आइसो पेंटाइल, टी पेंटाइल और एक्टिव पेंटाइल,
अब ये कहीं अगर एग्जाम में आ जाए तो वापिस वही बात कहूंगा मैं तो, कि 99% स्टूडेंट जो है इसको गलत ठोक के आएंगे। अगर ये एग्जाम्पल आ जाए और ये एग्जाम्पल आ जाए और कंफ्यूजन स्टार्ट, और कंफ्यूजन भी खतरनाक वाला स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे अपने को डिस्कस करना है, एक तो आईएसओ है और जल्दबाजी में ये एग्जाम्पल में आ जाए तो चोरे इसको ही ठोक के आएंगे, आईएसओ पेंटाइल ब्रोमाइड, जो कि एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखना मैंने आपको क्या कहा था, CH3CH ये वाला ग्रुप ये आईएसओ ग्रुप है, ओके ये आईएसओ ग्रुप नहीं है। तो ये तो कैसा ग्रुप है, आईएसओ ग्रुप है, और ये आईएसओ नहीं है। तो ये कौन सा ग्रुप है, तो चलो नोमेनक्लेचर में अपन एग्जांपल में देखते रहेंगे। तो आईएसओ और इन दोनों में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका, CH3CH2Br ये हो गया। तो ये तो आईएसओ ग्रुप है, अपने को नजर आ रहा है यहां पे, और पांच कार्बन है तो पेंटाइल क्या हो जाएगा, आईसो पेंटाइल ब्रोमाइड है तो आईसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, आईसो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। आईबीपीएससी में 1 2 3 4 यहीं से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट बी आर है तो क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट सेकेंडरी ये स्टार्ट हो गया अपना, CH3CH CH3CH CH3। अब देखो ये तो आईसो है, तो ये क्या है, ये एक्टिव आईसो है, पहले आईसो और फिर क्या हो जाएगा एक्टिव आईसो, तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव आईसो पेंटाइल, ये याद लगा लो एक्टिव आईसो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब देखो यहां पे दो रूल्स काम आते हैं, तो आईपीएससी में अपन ने 11 में ऑलरेडी पढ़ा है, फालतू यहां पे अपन लंबा नहीं खींचेंगे चैप्टर को। तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं अपन ल्यूकेंड पोजिशन, और उसके बाद अल्फाबेट, पहले पोजिशन को देते हैं फिर अल्फाबेट को देते हैं। तो पोजिशन की बात करें, इधर से मैं अगर करूं तो 1 2 3 4 टू नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से देखो तो मैं 1 2 3 4 इधर भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसका मतलब लुक एंड पोजीशन, पोजीशन नहीं देखेंगे अब, यहां अल्फाबेट देखेंगे, क्योंकि पोजीशन तो दोनों ही पे क्या आ रहा है, इधर से 2 पे, इधर से भी 2 पे, बट यहां पे क्या है, ये बी आर है, बी से स्टार्ट होता है, और यहां पे क्या है मिथाइल है, एम से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पोजीशन, यहां जो नंबरिंग जो होगी ये ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी और नीचे वाली क्या होगी गलत होगी। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट ये आ गया अपने पास एग्जांपल, CH3 CH2 CH3 CH3 और ये Cl, तो यहां कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, अब पहले इसका कॉमन नेम, तो ये तो क्या था आइसोपेंटिल, एक्टिव आइसोपेंटिल। अब आपको यहां तो खुद नजर आ गया होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच हो कितने कार्बन से 3, टर्ट हो गया टी पेंटिल, कैसा पेंटिल है ये टी पेंटिल, टर्ट पेंटिल, टी पेंटिल क्लोराइड या क्लोराइड, ये टी पेंटिल क्लोराइड। आईपीएससी क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके नेक्स्ट, यहां से ये कंफ्यूजन वाला आ गया फर्स्ट एंड लास्ट वाला, CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो ये क्या था आइसोपेंटिल, एक्टिव आइसोपेंटिल, टर्शरी पेंटिल, इसको कहते हैं एक्टिव पेंटिल। तो यहां पे क्या आ जाएगा BR आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव पेंटिल ब्रोमाइड, एक्टिव पेंटिल ब्रोमाइड। ओके आईपीसी क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अपने पास एन पेंटेन जो नॉर्मल पेंटेन था इसके बन गए थे 3, और जो आइसो पेंटेन था 2 मिथाइल ब्यूटेन
इसके बन गए थे चार, चार और तीन सात। अब बात आती है लास्ट इसकी, तो इसका तो नाम है एन पेंटेन या पेंटेन। ये क्या है? टू मिथाइल ब्यूटेन आइसो पेंटेन, और ये है टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन, जिसको बोलते हैं नियो पेंटेन। नियो कॉमन नेम इसका नियो पेंटेन, और इसका है आइसो आइसोपेंटेन। तो ये आइसोपेंटेन और ये क्या अपने पास नियोपेंट। अब देखो यहां पे इसका एक ही बनेगा, तो ओवरऑल C5H12 जो अपन ने लिए हैं, C5H12 से अपन ने आठ एल्काइल ग्रुप फॉर्म किए हैं, इसका एक ही बनेगा। एक क्यों बनेगा? देखो एक दो तीन चार, चारों ही कार्बन एक ही टाइप के हैं। हाइड्रोजन यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी रिमूव करो, एक एल्काइल ग्रुप बनेगा। क्यों? यहां कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन और जहां अटैच है वहां कुछ भी नहीं है, तीन कुछ भी नहीं, तीन कुछ भी नहीं, तीन कुछ भी नहीं, तो एक ही बनेगा और उसको कहेंगे अपन पेंटाइल। तो होगा बट वो कैसा होगा? नियो पेंटाइल। यहीं पे बता देता हूं आपको, तो ये पेंटाइल था और यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये बन गया पेंटाइल। तो है पेंटाइल तो बनेगा, बट ये पेंटाइल कैसा है? नियो पेंटाइल। अगर मैं यहां पे सीएल लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आईपीसी नेम में। अब देखो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? ये 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये अपन ने आज एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एल्काइल ग्रुप कैसे बन रहे उनके साथ अपन ने हैलाइडों के एल्काइल हैलाइडों के नोमेनक्लेचर को भी देख लिया। इसके एक्चुअली क्या, इसको डीपली देखने का रीजन ये था, ये बार बार ऑर्गेनिक में आएगा अपने पास। हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, फिर एल्कोहल फिनॉल इथर वहां पे भी अपने सामने आएगा, एमीन में सामने आएगा, तो एल्काइल ग्रुप बार बार सामने आएंगे। तो अपन ने यहीं पर इसको डिस्कस कर दिया तो बार बार डिस्कस नहीं करना पड़े। तो मैं आपको वापिस एक बार बता देता हूं कि जो ये एल्काइल ग्रुप बनाए हैं, ये एल्काइल ग्रुप या तो कॉमन नेम में यूज आएंगे, ये देखो कॉमन नेम में यूज आ रहे हैं, और या फिर ये आएंगे सब्स्टिट्यूएंट, जहां कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट। ये देखो जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट आया इस एग्जांपल में, देखें ये CH3 आया, और ये अपने पास CH3 अपन ने देखा था इसको, ये CH3 आया। अब इसको अपन ने क्या यूज किया है यहाँ पे, जब इसका IUPAC नेम करेंगे तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट का नेम IUPAC, तो अपन ने ये किया था ये 2-bromo-3-methyl, तो एल्काइल मिथाइल ये IUPAC नेम में सब्स्टिट्यूएंट, जब प्रतिस्थापी के रूप में कोई आता है तो ये यूज करते हैं एल्काइल ग्रुप। ये पांच कार्बन तक आप नोट करें, प्रैक्टिस करें, आगे अपन और प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।